नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट लाया हूं और ये परम आईएएस पब्लिकेशन का पहला प्रैक्टिस सेट है और इसका तीसरा प्रैक्टिस सेट मैंने करा रखा है। तो इसमें 5-6 प्रैक्टिस सेट है जो मैं डेली बेस पे चलाने वाला हूं। तो प्रथम ये जो है पहले प्रैक्टिस सेट के विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वविद ने सबसे पहले भीमबेटिका गुफाओं का दौरा किया और इसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व की खोज की? तो भीमबेटिका मध्य प्रदेश में है और इनके खोजों की बात करें तो किसने किया था, तो ये बी एस वाकनकारी ने किया था। और ये कब किया था, तो 1957 ईस्वी में किया था। अगले प्रश्नों को देखें, हड़प्पा के संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला था, तो ये लोथल से मिला था। लोथल जो कि भागवा नदी पर है गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में है, धोलावीरा भी गुजरात में है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेदों के कुछ सूक्तों की रचना की? तो बात करें तो ऋग्वेद में जो है सूक्तों की रचना बहुत सारे स्त्रियों मिलकर ने की थी, जिसमें कि एक नाम लोपा मुद्रा की भी आती है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो बौद्ध धर्म में जो है निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन इच्छा की लौ का विलुप्त हो जाना करता है। अगला सवाल देखें, यमका बौद्ध पीटक से संबंधित है, तो यमका जो है ये बौद्ध के त्रिपीटक में किस माध्यम से संबंधित है? तीन पीटक में जैसे बात करें विनय पीटक, अभिधम्म पीटक था और सूत पीटक, तो इसमें जो है अभिधम्म पीटक से संबंधित है यमका। अगले प्रश्नों को देखें, किस शासक ने पहली बार पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन और इन्होंने ही सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का वर्णन करता है? तो भारतीय इतिहास में जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुल 16 महाजन पद हुआ करते थे, जो कि बौद्ध धर्म के अंगोत्तर निकाय से जानकारियाँ मिलती हैं। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का हिस्सा नहीं था? अष्टांग योग में जो देखेंगे तो प्रत्याहार, ध्यान, धारणा है, जबकि अनुस्मृति इसके अंतर्गत नहीं है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल के दौरान भारत के साथ चीन के संबंधों का विवरण किया? तो चालुक्यों के समय में जो है भारत आने वाले चीनी यात्री ये थे मतवालिन, जो कि भारतीय और जो है चीनी के बीच संबंधों का वर्णन किया। और बात करेंगे फाहियान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था और ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थानों पर विचार करना है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है इस स्थानों में से भित्ति चित्र के लिए कौन जाना जाता है? तो भित्ति चित्रों के लिए अजंता की गुफा और लोपाक्षी मंदिर जाना जाता है, तो ए और बी यानी बी आंसर हो जाएगा एक और दो। जबकि सांची का स्तूप जो है बौद्धों के स्तूप से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि सिखों के लिपि का विकास किया। और सिखों के धार्मिक ग्रंथ हैं गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं, गुरु अर्जुन देव के द्वारा वो जो है रचना किया गया। और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया था और गुरु नानक ने ही लंगर व्यवस्था का आरंभ किया था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत की हीरे और हीरे की खानों के बारे में विस्तार से चर्चा किया? तो भारत की हीरे और हीरे की खानों के बारे में जो है विस्तार से चर्चा जिन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर ने किया था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा जो है स्थापित किया गया था।
पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? तो पिछड़े वर्गों का उत्थान जो है ये सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था। इसकी स्थापना जो है 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज का स्थापना आत्मारंग पांडुरंग। आर्य समाज का स्थापना बात करें तो ये किया था दयानंद सरस्वती ने, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम सोसाइटी कौन सा था? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में किया, जो कि प्रथम सोसाइटी था इसके द्वारा स्थापित। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। जबकि बात करें तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति? तो 1923 ईस्वी में दिल्ली में हुए थे विशेष अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम ने किया था। और ये जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति था। और कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले भी जो है 1940 से 46 तक यही थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में मिशनरियों पर से जो है प्रतिबंध हटा दिया गया? तो ईसाई मिशनरियों पर से प्रतिबंध चार्टर्ड अधिनियम 1813 ईस्वी में हटा दिया गया, और भारत में ईसाई मिशनरियों के जो है आगमन पर प्रतिबंध हटा दिया तो वो आने लगा था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस प्रांत में 1857 के विद्रोह के दौरान अशांति के प्रथम लक्षण दिखाई दिए थे? अशांति के प्रथम लक्षण जो है 1857 क्रांति के समय बंगाल बिहार और उड़ीसा में दिखाई दिए थे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन का 1886 ईस्वी में विलय कांग्रेस में विलय हो गया था? तो यह था भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो है विलय 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुए कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ये जो है कांग्रेस में इनका विलय कर दिया, तब से जो है नाम कांग्रेस पड़ गया था। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना था, देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था, और पाकिस्तान की घोषणा लाहौर अधिवेशन ये जो है मुस्लिम लीग के 1940 में हुआ था। और बात करें पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था, और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इस प्रकार से आप जो है विभिन्न घटनाओं को सम्मिलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक हो जाएगा, फिर चार होगा, फिर 3 2 1 4 3 2 जो ऑप्शन में होगा 1 4 3 2 ऑप्शन बी में है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस देश में सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लेजन का आयोजन किया था? तो टाइगर लेजन का आयोजन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था जर्मनी में। अगला सवाल है, शिवाजी के बाद निम्नलिखित में से किसे गुरिल्ला युद्ध का विशेषज्ञ माना जाता है? तो गुरिल्ला युद्ध का विशेषज्ञ शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम को माना जाता है, और ये जो है बाजीराव प्रथम 1737 ईस्वी में दिल्ली पर धावा बोला था। ये प्रथम पेशवा था मोहम्मद शाह के समय में। भारत के किस वायसराय ने दीपावली की घोषणा, तो दीपावली की घोषणा जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था 1929 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सैन्य सफलता का प्रतीक है? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्णायक सैन्य सफलताओं की बात करें तो यह था बक्सर की लड़ाई, जो कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब जो है मीर कासिम, और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, और दिल्ली के बादशाह जो थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित रूप से हेक्टर मुनरो ने पराजित किया था। जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने तो निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे मोहम्मद अली जिन्ना, और लियाकत अली प्रथम प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, और भारत के जवाहरलाल नेहरू। अगले सवाल को देखें,
1919 में किस क्रांतिकारी पर मैनपुरी षड्यंत्र का आरोप लगाया गया था? तो ये लगाया गया था राम प्रसाद बिस्मिल पर। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? तो भारत में डाक टिकट की शुरुआत जो है डाक, टार और रेलवे, इन तीनों का जनक माने जाते हैं लॉर्ड डलहौजी। और नागरिक सेवा, सिविल सेवा और पुलिस सेवा के जनक माने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। मानव मस्तिष्क का निम्न में से कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने का नियमन केंद्र है? तो यह है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। जबकि स्मृति इच्छा यानी कि स्मृति शक्ति जो है सेरिब्रम में होता है, परम मस्तिष्क में। केसर का मसाला बनाने में पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो केसर का मसाला जो है अस्टिग्मा का इस्तेमाल होता है, अर्थात वर्तिकाग्र का। बिना बीज वाले टमाटर के फलों का उत्पादन संभव होता है? फूल ये जो है उसके फूलों पर हार्मोन के छिड़काव के द्वारा बिना बीज वाले टमाटर के फलों का उत्पादन हो सकता है। कौन सी ग्रंथि मिल्क इंजेक्शन हार्मोन जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है? तो ये जो है ऑक्सीटोसिन का स्राव पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड करते हैं। इनका वजन जो है 0.6 ग्राम होता है। अगला सवाल देखें, मानव के वृक्क में जो पथरी बनी होती है तो वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण से बचाने में मदद करता है? तो रोग प्रतिरोधक के रूप में जो है WTO ये जो है WBC कार्य करते हैं, श्वेत रक्त कण। अगला सवाल देखें, मानव शरीर के कौन से अंग शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं? तो मानव शरीर के वो अंग फेफड़ा है जो शरीर के तापमान को बनाए रखता है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जैसे अंकुरित अनाज होते हैं तो गेहूँ, रोगाणु तेल होते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन यकृत का कार्य है? तो यकृत जो है पित्त का भी उत्पादन करता है और यूरिया का भी उत्पादन करता है। राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल, कर्मादेशित कोशिका मृत्यु के सेलुलर और आणविक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है, किस रूप में? तो ये एपोप्टोसिस के रूप में जाना जाता है, एपोप्टोसिस के रूप में। एक शब्द जो हमारे सिस्टम में ATP परमाणुओं की अधिकतम संख्या उत्पन्न करता है तो ये क्रेब्स चक्र में होता है। लीची को किस प्रकार के फल में रखा जाता है? तो लीची को जो है ड्रूपे फल प्रकार के फल में रखा जाता है क्योंकि इसके ऊपर छिलके होते हैं और छिलके जो है उसके अंदर से रसीले भाग को खाया जाता है। अगले सवाल को देखें, गर्म खून वाले जानवर वे होते हैं जो अपने शरीर का तापमान बनाए रखने में संभव यानी कि सक्षम होते हैं। तो गर्म खून वाले जानवर वे होते हैं जो अपने शरीर का तापमान लगातार व अस्थाई और पूरा समय बनाने में सक्षम होते हैं। गर्मी में ठंड हो जाते हैं ब्लड और ब्लड ठंड में गर्म कर देते हैं। तो ये हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर की खेती का उत्पादित करता है? तो अंगूर की खेती विटीकल्चर, यहाँ पर अंगूर ही दिया हुआ है। अगला सवाल देखें, मोती के मुख्य घटक कौन से हैं? तो मोतियों के जो है मुख्य घटकों की देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं 85% कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हो गया ऑर्गोनाइट, कैल्शियम कार्बोनेट को ही कहते हैं, और कोंचियोलिन होता है फिर 10-12%। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल, अल्फा कणों में दो धनात्मक आवेश इसका द्रव्यमान किसके बराबर होते हैं? तो अल्फा कणों में जो है दो धनात्मक आवेश होते हैं और हीलियम के एक परमाणु का केंद्रक होता है। तो राइट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। इसमें दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं और इसमें एक केंद्र पाया जाता है। इसका द्रव्यमान 4 होता है और ये धनात्मक होते हैं अल्फा, बीटा ऋणात्मक होते हैं और गामा उदासीन होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? अगर रासायनिक परिवर्तन देखेंगे, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में प्रकाश में विक्षेपित और प्रिज्म से गुजरने पर, तो ये जो है भौतिक परिवर्तन हो गया।
और पकाए जाने पर सब्जियों का नरम होना ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पुनः इसमें ये जो है परिवर्तन यानी कि पुनः पूर्ण पहले वाले अवस्था में नहीं आएंगे। और गीली मिट्टी की गांठ सूखने पर नाजुक हो जाती है, यह भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घोलना यह भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तरल सोडियम परमाणु रिएक्टर में शीतलन के रूप में काम करते हैं, ये गलत है। और ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट टूथपेस्ट के रूप में टूथपेस्ट का एक घटक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल जो है टूथपेस्ट के रूप में किया जाता है, ये सही है। अगले सवाल को देखें। मरी हुई मछलियों की दुर्गंध यौगिक के कारण यानी किस यौगिक के कारण? तो मरी हुई मछलियों की जो है दुर्गंध होने का कारण होता है उसके अंतर्गत जो है अंदर में जो है एमिनो यौगिक का होना। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में और एक एंटी कलोर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो है हाइपो के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो नियोप्रीन जो है ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है, बाकी टेफ्लॉन पॉलीस्टाइलिन और पॉलीथीन ये सब जो है थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में? तो विस्फोटक के रूप में जो है नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने साथी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता है, और इसका कारण होता है कि चंद्रमा की सतह पर जो है ध्वनि संचरण का माध्यम नहीं है, इसीलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। बादल रहित रातें साफ बादल रहित रातों की तुलना में गर्म होती है, तो बादल रहित रातें जो है साफ बादल रहित रातों की तुलना में गर्म होती है। इसका अर्थ यही है कि पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परिवर्तित कर देते हैं इसी कारण से। अगले सवाल को देखें। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त युक्ति, तो एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति कहलाती है रेक्टिफायर, और डीसी से एसी में जो है इन्वर्टर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन के रूप में शामिल नहीं है? तो परमाणु ईंधन के रूप में थोरियम प्लूटोनियम यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, कैडमियम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा होता है, तो कृत्रिम उपग्रह में जो विद्युत ऊर्जा होता है वह सोलर सेल के द्वारा होता है। पानी से भरी कांच की बोतल फ्रीजर में रखने पर टूट जाती है, इसका कारण है कि पानी जमने पर जो है आयतन बढ़ जाता है, इसी कारण से बोतल फट जाता है। मिट्टी का तेल पानी पर तैरता है क्यों? तो मिट्टी का तेल पानी पर तैरता है इसका कारण है कि इसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है। वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। अगला सवाल है। उपयोगकर्ता के अनुकूल मौसम पूर्वानुमान ऐप विकसित करने के लिए किस IIT ने भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारतीय मौसम विभाग के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है IIT बॉम्बे। अगला सवाल है। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेज़बानी तो ये किया है वियतनाम में, ये 2022 में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेज़बानी है। हाल ही में PM ने PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभों को जारी किया, तो PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभों को जारी किया। तो PM केयर्स योजना शुरुआत हुई थी 2021 में, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 2021 में शुरू हुई थी। अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता मिला था, तो ये विक्की कौशल को मिला था। अगर बात करें अभिनेत्री का तो कृति सेनन था अभिनेत्री, और फिल्म में बात करें तो फिल्म जो है शेर शाह था, और फिर उसके बात करें डायरेक्टर का तो बेस्ट डायरेक्टर जो है विष्णुवर्धन को मिला था, जो कि शेर शाह के निर्देशक हैं।
जनवरी 2022 से शुरू होने वाले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की घूर्णन अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो ये फ्रांस को संभालने के लिए दी गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा आरंभ किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस माने जाते हैं। तो इसके तहत जो है प्रांतों के विषयों को 2 वर्गों में बांटा गया था, एक आरक्षित था और एक हस्तांतरित था। अगला सवाल है, भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? तो भारत और अमेरिका के बीच संघीय व्यवस्था हम देखेंगे तो संविधान की व्याख्या के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय है, अमेरिका में भी और यहाँ पर भी, दोनों के संविधान के संरक्षक हैं। यदि धन विधेयक में राज्यसभा द्वारा पर्याप्त रूप से संशोधन किया जाता है तो क्या होता है? तो अगर धन विधेयक संबंध में राज्यसभा द्वारा पर्याप्त रूप से संशोधन किया जाता है तो लोकसभा अभी भी राज्यसभा के सिफारिशों को स्वीकार या स्वीकार नहीं करने वाले विधेयक के साथ आगे बढ़ सकता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो चौथी अनुसूची में यानी कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, लेकिन संविधान निर्माण के समय जो है 8 ही था। देखेंगे तो चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों के राज्यसभाओं के जो है संरचनाओं का यानी कि आवंटन किया गया है विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, और जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान 5वीं अनुसूची में है। छठी में 4 राज्यों का दिया गया था, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। और जो बात करें भाषाएँ तो 8वीं अनुसूची में है, और संघ और राज्यों के बीच शक्ति ये 7वीं अनुसूची में है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने और दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कह सकता है, और यह घटना किस रूप में जाना जाता है? तो यह फर्श पर चढ़ना के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। तो ये जो है कानून बना सकती है ये किसी राज्य की सहमति के बिना ही। अगला सवाल देखें, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देता है तो केवल अगर वह ऐसी सलाह चाहता है, यानी कि राष्ट्रपति सलाह चाहेगा तभी वह सलाह देंगे। अगला सवाल देखें, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश करने वाली समिति तो ये था बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में गठित हुआ था, त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। अशोक मेहता समिति 1977 में द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव, जीवी के राव समिति 1985 में ये 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव, और एलएम सिंघवी समिति 1986 में त्रिस्तरीय पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास किया। आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। 1988 में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? एक भारतीय था तो वह था नारायण देसाई। अगला सवाल है, अस्पृश्यता अपराध नहीं होगा? तो अपरिश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 के माध्यम से किया गया है, छुआछूत का अंत। तो यदि यदि जो है आरोपी और शिकायत पीड़िता एक ही सामाजिक समूह से होंगे तो वह अपरिश्यता अपराध में नहीं होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान है? पंपास, बेल्ट्स, डाउन्स। अर्जेंटीना का, दक्षिण अफ्रीका का, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का, ये सब जो है शीतोष्ण घास का मैदान है, जबकि सवाना उष्ण घास के मैदान है। सवाना है और लानोज है और फिर कंपोज है। तो आंसर जो है आपका ए बी सी सही है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कालाहारी मरुस्थल में निम्नलिखित में से हैं? तो कालाहारी मरुस्थल जो है ये बोत्सवाना में भी है और नामीबिया में भी है। तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगला सवाल देखें, हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो ये कारक जो जिम्मेदार है तो हिंद महासागर में मानसून का
बहाव इसके लिए जिम्मेदार है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, जब समुद्र में घनत्व बढ़ जाता है तो क्या होगा? तो समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो लवणता बढ़ती है और गहराई घटती है। अगला सवाल, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के बीच जल विभाजन का कार्य करती है? तो प्रायद्वीपीय भारत में जो है यमुना की जो है सहायक नदियां हैं टोंस नदी और सोन नदी, ये कैमूर रेंज को जो है जल विभाजित करती है। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून है? तो लैगून के उदाहरण में जो है अष्टमुड़ी है, चिल्का है, पुलिकट है, जबकि पेरियार लैगून नहीं है। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त तो वर्णन करता है? तो शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु CWG के अंतर्गत इसे वर्णित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने की सही विधि है? तो मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने की सही विधि फसल चक्रण है और मिश्रित कृषि है। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। तो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है खेजड़ीक। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? देखते हैं, घग्घर के पानी का उपयोग इंदिरा गांधी नहर में, तो इंदिरा गांधी नहर में जो है सतलज नदी का, ब्यास नदी का प्रयोग किया जाता है, ये तो गलत है। और अमरकंटक नर्मदा नदी यानी नर्मदा नदी जो है अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, ये सही है। और निजाम सागर बांध मंजिरा नदी पर, यह सही है। और पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी सही है। तो आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक जो है सही है। अगला सवाल देखें, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण के स्तर का प्रतिशत, तो शहरीकरण के स्तर का प्रतिशत बिहार में है 15.3%। तो अगला सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोरों और बुजुर्गों की संख्या सबसे अधिक है? किशोरों और बुजुर्गों की संख्या सबसे अधिक गया में है। अगला सवाल है, बिहार बजट 2022-23 में राज्य के कितने शहरों को आदर्श शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो आदर्श शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है 6 शहरों को। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन कर पाएगा? 1320 मेगावाट का जो है चौसा पावर प्लांट बिजली उत्पादन कर सकता है। हाल ही में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला वन क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है कैमूर में है। अगर बात करें सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला, तो वो हो जाएगा बांका। अगला सवाल देखें, केंद्रीय बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत की घोषणा की? तो क्रिप्टो करेंसी पर कर जो है टैक्स 30% लगाया जाएगा। अगला सवाल देखें, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने वन क्षेत्र में लाभ का अनुभव किया? तो वन क्षेत्र में जो लाभ का अनुभव किया, ये टाइगर रिजर्व हैं बक्सा टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और अनामलाई टाइगर रिजर्व। आंसर ई हो जाएगा इनमें से जो है एक से अधिक। अगला सवाल देखें, हाल ही में कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया? तो स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य है बिहार। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए बिहार में कितने आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र खोलने की घोषणा की? तो बिहार में जो है आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र 700 करने खोलने की जो है घोषणा की गई। अगला सवाल देखें, हाल ही में बिहार के 11 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा इन 11 संस्थानों में है? तो इन 11 संस्थानों में
सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज नालंदा है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना है, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सहरसा है, लेकिन पूर्णिया नहीं है। तो आंसर आपका ए बी सी सही है, तो ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य के पहले अस्थाई यातायात पार्क की घोषणा की गई। तो बिहार के वो ज़िला जहाँ पर कि राज्य के पहले अस्थाई यातायात पार्क समस्तीपुर में जो है खोले जाने की घोषणा की गई। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य है। तो ये बन गए हैं बिहार। अगला सवाल देखें, बिहार के किस ज़िले में पहला हाथी बचाव केंद्र बनाया गया। तो बिहार के वो ज़िला हैं पश्चिमी चंपारण जहां पर कि हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया गया। बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा बिहार के किस स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। तो सौर ऊर्जा संयंत्र जो है कजरा, लखीसराय और पीरपैंती जो है भागलपुर में किया जा रहा है। आंसर ए भी सही हो जाएगा, यानी कि आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन का ट्रायल कहाँ किया जा रहा है। तो ड्रोन ये जो है ड्रोन का ट्रायल किया जा रहा है कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पुनपुन पटना में। अगला सवाल, हाल ही में बिहार के किस जिले में एक नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई। तो सारण जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के बाद देश में मक्का का दूसरा उत्पादक राज्य ये हो गया है बिहार। तमिलनाडु के बाद मक्का उत्पादन में दूसरा राज्य बिहार। आर्थिक विकास को आमतौर पर किसके साथ जोड़ा जाता है। तो आर्थिक विकास को आमतौर पर जो है मुद्रा स्फीति के साथ जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। तो गैर योजना व्यय के अंतर्गत सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय और पिछली योजनाओं में सृजित बुनियादी ढांचे के लिए रख रखाव व्यय। तो आंसर जो है ए बी सी डी सही है, तो ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, भारत सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो भारत सरकार के कार जो है राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। चूँकि भारत में आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे, वाणिज्यिक बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात SLR और नगद आरक्षित अनुपात CRR के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो आर्थिक सुधार के लिए जो है CRR और SLR को जो है दोनों को कम कर देना चाहिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है। तो रुपये की परिवर्तनीयता से तात्पर्य है कि रुपये के को जो है अन्य प्रमुख मुद्राओं में बदलने की स्वतंत्र रूप से अनुमति देना और इसके विपरीत। अगले सवाल को देखें, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई शहरों को प्रभावित किया। तो बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम। तो सबसे पहले 12 जून 1857 को रोहनी से जो है प्रारंभ हुआ था, रोहनी देवघर से, फिर पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर में हुआ था। बिहार में पटसन उद्योग की पेटी अवस्थित है, ये बिहार का उत्तर पूर्वी मैदान में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में मिलती है। तो गंगा में गंडक भी मिलती है, सोन मिलती है, घाघरा मिलती है, पुनपुन मिलती है। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह 2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या घनत्व के सही अवरोही क्रम को इंगित करता है, यानी बड़े से छोटे की ओर। और ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक शिवहर का है, तो ऐसा ऑप्शन में आपको विकल्प में है नहीं। तो फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर डी हो जाएगा, दरभंगा, सिवान, सारण, समस्तीपुर। दरभंगा, सिवान, सारण, समस्तीपुर। अगला सवाल, बिहार में तराई क्षेत्र का विस्तार है। तो तराई क्षेत्र का विस्तार है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। अगला सवाल, बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत सरफ उद्दीन मनेरी का संबंध जो है फिरदौसी संप्रदाय से हैं।
अगला सवाल है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो यह था भागलपुर राजमहल। परम परबेगा सुपर कंप्यूटर किस संस्थान ने स्थापित और चालू किया? तो ये IIT जो है बंगलुरु के द्वारा चालू किया गया, IISc बंगलुरु के द्वारा। भारत को किस देश से 374 मिलियन डॉलर का पहला ब्रह्मोस ऑर्डर मिला? तो 374 मिलियन डॉलर का पहला ब्रह्मोस ऑर्डर जो है भारत को फिलीपींस से मिला है। पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की प्रतिमा पणजी गोवा शहर में स्थापित की गई। अगला सवाल देखें, अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला था नमिता गोखले को। और इनके उपन्यासों की बात करें, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, और हिंदी में मिला था दया प्रकाश सिन्हा को, सम्राट अशोक के लिए। अगला सवाल है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी, तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी जो है लखनऊ में खोला जाएगा। निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का नया अस्थाई प्रतिनिधि, तो यह है अनुपम राय, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ कनाडा प्राप्त हुआ? तो ऑर्डर ऑफ जो है कनाडा प्राप्त हुआ था डॉक्टर वैकुंतम अय्यर लक्ष्मण, नवजीत बॉब सिंह ढिल्लो और प्रदीप मर्चेंट को। तो आंसर ई हो जाएगा, ABC, यानी कि इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया? तो JL नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग सिक्किम में कर दिया गया था, और इसके राज्यपाल गंगा प्रसाद के द्वारा। हाल ही में भारत की आवाज़ कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया और उन्हें भारत रत्न जो है 2001 ईस्वी में मिला था। अगला सवाल, हाल ही में 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध भाला फेंक से है, और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा देश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? तो ये देश है बांग्लादेश। रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ रिजर्व के रूप में घोषणा की गई? तो चौथा बाघ अभयारण्य यह है रामगढ़, राजस्थान के, और भारत के 52वां टाइगर रिजर्व, 53वां है घासीदास जो कि छत्तीसगढ़ में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 30 साल के संबंधों की प्रतियोगिता पर एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो ये भारत इजराइल के साथ जो है 30 साल के संबंध की प्रतियोगिता पर एक स्मारक लोगो लॉन्च किया। हाल ही में किस राज्य ने अपनी कृषि निर्यात नीति शुरू की? तो कृषि निर्यात नीति शुरू किया है महाराष्ट्र ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिको ओपन 2022 जीतकर अपने करियर का 51वां खिताब जीत लिया है? तो यह राफेल नडाल। अगला सवाल, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6? तो ईस्टर्न ब्रिज 6 ये किसके बीच हुआ था? तो भारत और ओमान के बीच। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस देश में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेज़बानी की गई थी 2022 में? वियतनाम के हनोई में। हाल ही में हेराथ फेस्टिवल मनाया गया, तो ये हर्थ दिया है, हेराथ फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक, तो भारत की रैंक रही थी 10वां, पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई देश नहीं रहा। COP 27 राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेज़बानी यह करेगा मिस्र, और 26 हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और 28 जो है होगा COP 28 कहाँ पर? तो UAE संयुक्त अरब अमीरात में होगा। अगला सवाल देखें, किस देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित LRB का उड़ान परीक्षण किसने किया?
तो स्वदेशी रूप से विकसित LRV उड़ान का परीक्षण जो है बालासोर उड़ीसा से भारतीय वायुसेना और DRDO के द्वारा किया गया। आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बन गया? तो भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, और उसके बाद देखिए तो फल उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, चावल में पश्चिम बंगाल, और कपास मूंगफली में गुजरात। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू किया? तो उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्थापना 8 अप्रैल 2015 को हुआ था, और वर्षगांठ पहला हो जाएगा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो यह 7वीं वर्षगांठ। अगला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, तो यह सभी प्रधानमंत्रियों का यहाँ पर संग्रहालय स्थित है, तो ये नई दिल्ली में किया गया था। निम्नलिखित में से किसे FAO द्वारा 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 मुंबई और हैदराबाद दोनों को दिया गया, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। और 2020 का रहेगा तो केवल हैदराबाद को दिया गया था। सिंधु जल संधि पर 118वीं द्विपक्षीय बैठक किस शहर में आयोजित हुई? तो ये 31 मई 2022 को हुआ था नई दिल्ली में, और सिंधु जल समझौता हुआ था कब? 1960 में, जिसमें चिनाब, झेलम और सिंधु नदी की 80% जो है पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान के पक्ष में दिया गया। निम्नलिखित में से 102वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 101वें सदस्य जो है USA है, यानी कि अमेरिका, और 102वें सदस्य हैं एंटीगुआ और बारबोडा। अगला सवाल है, एक परिवार की औसत मासिक खर्च पहले 3 महीनों का दिया है 2200, तो 22 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6600। फिर देखेंगे तो अगले 4 महीनों का दिया गया है 2550, तो 4 महीनों का यानी कि इसे गुना करेंगे 2550 में 4 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 10200। फिर उसके बाद जो है, और साल के आखिरी 5 महीनों के दौरान 3120 रुपये हैं, ये औसत हैं, तो 120 3120 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 15600, 15600। अब इनको जोड़ते हैं, 0 0 6 6 12 2 14 का 4, 6 5 11 12 और 2 1 3, यानी कि 300, यानी कि 32400 हुआ। अब कहा जा रहा है कि यदि वर्ष के दौरान कुल बचत है 1260, 1260 है बचत, 32400 में 3200, ये 1200 जो है 60 है बचत, यहाँ पर ये खर्च है और बचत है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आय होगा, तो ये 0 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 33 66 0। अब जो है ये 12 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर मासिक पूछा जा रहा है और हमने जो है सालाना निकाल लिया, तो 12 से भाग देंगे तो यहाँ पर जो है 2805 रुपया आ जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, एक स्कूल में 40% फुटबॉल खेलते हैं और 50% क्रिकेट खेलते हैं, यदि 18% ना तो फुटबॉल ना तो क्रिकेट खेलते हैं, तो दोनों खेलने वाले पर जो है बच्चे का प्रतिशत? अब देखिए 50 और 40 कितना हो गया, 90% खेलने वाले हैं, 18% ना खेलने वाले हैं, तो 100 माइनस 18 करेंगे तो कितना होगा? 82। यहाँ पर 82 आप 90 में से 82 घटाएंगे, 90 में से 82 घटाएंगे, क्योंकि 90 जो है खेलता है और 82 भी खेलता है, तो यहाँ से ये जो है घटाएंगे तो हो जाएगा 8% जो है दोनों खेलने वाले हो गए हैं। अगले प्रश्नों को देखें, एक रेडियो का क्रय मूल्य 600 है
और लागत मूल्य का 5% परिवहन के लिए लिया जाता है। यानी कि 600 हम खरीदे हैं और इसको ले जाने में परिवहन पर 5% खर्च लगा। फिर उसके बाद हमने इसको 15% के लाभ पर बेच दिया, तो रेडियो का विक्रय मूल्य अब कितना हो जाएगा? पहले 600 था, अब परिवहन पर जो है हमने 5 रुपया खर्च किया, तो 105/100। अब फिर जो है 15% का लाभ लेना है, तो 115/100। अब यहाँ पर आप इसको काट खोट कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर ये 200 ना, 200 ना तो ये कट जाएगा। फिर उसके बाद जो है 23/5 115, ये 20/5 100, 5×20 21, यहाँ पर हो जाएगा 21/5 105। यहाँ पर 2×2 4 और 2×3 6, 63×23 भागा देना है कितना से? 2 से। 63×23 भागा 2 दीजिएगा, तो आपका आंसर जो है कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 724.50, यानी 724.5 रुपया। अगला सवाल देखें। ए और बी एक साथ कार्य को 18 दिनों में, और बी और सी 24 दिनों में, और ए और सी 36 दिनों में। यहाँ जो है 18, यहाँ पर जो है 24, यहाँ पर जो है 36। अब तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर है 2×ABC, यानी कि दो दो बार सबका लिया गया है, तो इनका एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 72, क्योंकि 72 से सब में भाग लगेंगे। 18×72, 24×3 72, 36×2 72। अब कहता है वे कितने दिनों में वे सभी कार्य को पूर्ण करेंगे? 4×3 7×2 9, ये हो गया 9। लेकिन यहाँ पर जो है इनने ये जो है 2 है, 2×A+B+C का मान है 9, तो यहाँ पर 72/9, और यहाँ भाग में जो है 2 ऊपर जाएगा तो गुना। अब 9×8 72, 8×2 16 दिन में। अगला सवाल देखें। दो पाइप ए और बी अलग अलग एक होज को 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं, 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। अब कहता यदि तीनों पाइप को, यानी कि इसे खाली करने के लिए टंकी के तल में एक तीसरा पाइप है, और यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाता है, तीसरा पाइप अकेले कितने समय में खाली करेगा? तो यहाँ 50 मिनट में ये भर देता है। अब इनका आप जो है एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 300, 300 यहाँ पर 6 60×5 करेंगे, 75×4 करेंगे, 50×6 करेंगे, यानी तीनों मिलकर यहाँ पर है ए बी सी, तीनों मिलकर 50 है, 50 यानी कि तीनों मिलकर कितना हो रहा है? 6। यहाँ पर 5×4 9, 9 में से 6 जाएगा तो सी का मान या तीसरा का मान कितना हो जाएगा? 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3, तीसरा का मान 3 होगा, और 100 300 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 मिनट में अकेले टंकी को खाली कर देंगे तीसरा। अगला सवाल देखें। एक कार चालक सुबह 8:30 बजे बेंगलोर से निकला और दोपहर 12:30 बजे बेंगलोर से 30 किलोमीटर की जगह पर पहुंचने की उम्मीद है, यानी कि यह 4 घंटे में जो है 300 किलोमीटर पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन 10:30 बजे पता चलता है कि उसने 40% तय किया। अब 300 का पहले 40% निकालेंगे, 40/100, 2×0 गायब, 4×3 12, तो यह हो गया कितना? 120, 120 ही चला था 2 घंटा में। फिर बचा है कितना अपने पास? तो बचा है 180, तो 180 यानी अपना शेड्यूल बनाने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी होगी? तो 180 कितने की रफ्तार से जाएगा 2 घंटे में? तो 90 की रफ्तार से। अब पहले चला था कितना की रफ्तार से? 2 घंटा, तो यहाँ पर 2 घंटा में 120 गया था, तो कितना की रफ्तार से गया था? 60 की रफ्तार से, और अभी जा गया है अंतिम में 90 की रफ्तार से, तो कितना बढ़ाना होगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना होगा। देखते हैं विकल्प ए में मौजूद है। अगला सवाल देखें। 125 मीटर और 115 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं और समांतर लाइनों पर एक दूसरे की ओर चल रही है, दौड़ रही है,
और एक का गति है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की गति है 39 किलोमीटर प्रति घंटा। वे एक दूसरे को मिलने में कितने समय लगेंगे? देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत में समानांतर, तो ये जुट जाएगा हर चीज़। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल है 33 और 39, कितना हो जाएगा 72। ये किलोमीटर में है तो इसको 5/18 से भाग देंगे तो मीटर पर सेकेंड हो गया। अब दूरी कितना है, 125 प्लस 115 करेंगे तो हो जाएगा 200 240 बटे एक्स, समय हो जाएगा। अब जो है 18 × 72, यहाँ पर 4 × 5 ये इधर हो गया 20, तो 20 हो गया, 20 के यानी सुना सुना कट गया 2 यानी कि 12, तो ये हो जाएगा 12 सेकेंड में। अगले सवाल को देखें। एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहता है कि अंकित मूल्य पर 25% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होगा। मानते हैं क्रय मूल्य 100 है और उन्होंने 25% जो है छूट देने के बाद, 25% पहले छूट दिया है, तो अब देखते हैं 100/75 करेंगे, 25% छूट दिया और कितना लाभ हुआ, तो 20%, 120/100। ये 100 कट गया, 25 × 75, 25 × 100, 3 × 12 यानी कि 40, 4 × 16 160 आया। मैंने 100 से तुलना किया तो 160 आया, यानी कि 40% अधिक करके देना होगा। अगले सवाल को देखें। सरलीकरण है, इसको सुमेलित करना है। यहाँ पर 25 है, 25 − 5 है, तो पहले छोटी बड़े करके क्रिया होगा। यहाँ पर 5 − 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया, और 2 × 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, 4 माइनस में है, और यहाँ पर 5 × 2 कितना हो गया, 5 और 2 तो यहाँ पर 7, 7 − 4 जाएगा तो कितना हो गया, 3, 3 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 9 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 + 2 11, 11 − 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 × 5 करेंगे तो 5 हो गया, और यहाँ पर 5 × 4 है, 5 × 4 कितना हो गया, 4 × 4 करेंगे तो −20, तो 25 − 20 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला सवाल है। HCF और LCM दोनों संख्याओं का दिया गया है 44 और 264। पहली संख्या को 2 से विभाजित कर किया जाता है तो भागफल 44 होता है, तो भागफल गुना जिसे विभाजित करते हैं गुना करेंगे, 44 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा संख्या। तो यहाँ पर LCM × HCF इजकल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो 44 × 264 बराबर 44 × 2 × x, 44 कट गया, और ये 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 132 आ जाएगा दूसरी संख्या, तो आंसर डी हो जाएगा। ये था मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।